कैसे हो दोस्तों, मैं अमित सूरज कंप्यूटर से आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। लेनोवो के गेमिंग लैपटॉप कौन सा गेमिंग लैपटॉप अच्छा होता है लेनोवो में, मैं आपको बताता हूँ। ये लेनोवो का लीजन एक मशीन आती है Y50 लैपटॉप, बहुत अच्छा लैपटॉप होता है गेमिंग में। इसमें आपको मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्प्ले से। इसका डिस्प्ले IPS डिस्प्ले होता है, बहुत अच्छा होता है। और आपका ये डिस्प्ले हाई रिफ्रेश रेट का ये डिस्प्ले इसमें लगा होता है, जिससे आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है उसमें, और हाई रिफ्रेश रेट का उसमें डिस्प्ले होता है। और आपका फिर मैं बात करता हूँ इसके आपकी साउंड सिस्टम की, तो इसमें डॉल्बी के साउंड सिस्टम भी अच्छा होता है इसमें। और आपका फिर हम बात करते हैं इसकी कूलिंग में, ये बहुत अच्छी मशीन होती है। कूलिंग में ड्यूल फैन इसमें होता है, तो ये कूलिंग बहुत अच्छा सिस्टम, इसका कूलिंग का बहुत अच्छा सिस्टम होता है। हैवी इसमें जो होते हैं हीट सिंक वगैरह जो होते हैं इसके बहुत हैवी होते हैं, फैन भी इसका हैवी होता है। नॉर्मल आप एक मशीन हम किसी का देखा तो नॉर्मल जो विदाउट ग्राफिक वाली या ग्राफिक वाली भी मशीन होती है, कुछ मशीन में फैन बहुत हल्के होते हैं। लीजन का जो फैन ऑफ का सिस्टम होता है कूलिंग वाला, बहुत हैवी सिस्टम होता है। इसका हीट सिंक भी बहुत हैवी होता है और फैन इसमें बड़े फैन लगे होते हैं। RPM की स्पीड भी अच्छी होती है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं आपका कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में ये इसका जो कीबोर्ड होता है मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, जो कि एक स्विच टाइप के कीबोर्ड होते हैं उससे वो होता है। उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है कीबोर्ड का, और ड्यूरेबल भी होता है इसका कीबोर्ड। फिर हम इसमें बात करें आपकी ग्राफिक की, यदि हम बात करें तो इसमें ग्राफिक आपका जो होता है ये फुल HD ग्राफिक वाले मशीन होती है, 1080 का इसका ग्राफिक होता है। और इसका इतना अच्छा ग्राफिक होता है कि इसमें आप छोटे से छोटा ग्राफिक देख सकते हो, जूम करके उसमें बिल्कुल क्लियर आता है, उसमें पिक्सल नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार ये गेमिंग में मशीन बहुत ही अच्छी होती है। और इसमें NVIDIA का जो ग्राफिक कार्ड होता है वो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा, गेमिंग के लिए सबसे अच्छा इसमें ग्राफिक कार्ड जो लगा हुआ वो मैन है गेमिंग वाला। NVIDIA का इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इसमें NVIDIA का 1050 का ग्राफिक कार्ड जो होता है वो बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रेट के साथ होता है। इसकी वाईफाई की जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है, इसमें भी हमने इसमें ऑब्जर्व किया है कि इसकी जो वाईफाई की सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। कम से कम 15 मीटर के आसपास की इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। इनबिल्ट इसमें ब्लूटूथ होता है। इस प्रकार ओवरऑल हम यदि करके देखें तो लीजन गेमिंग में बहुत अच्छी मशीन है लीजन की, लेनोवो की। ये हमारे पास मशीन भी है, आप देख सकते हो, लेनोवो लीजन 520 ये मॉडल है। इसमें ग्राफिक कार्ड है i5 सेवंथ जनरेशन, ये मशीन है। इसमें ग्राफिक कार्ड 1050 होता है NVIDIA का। और आपको दूसरा 15 इंच का स्क्रीन IPS स्क्रीन होता है। और इसकी मैं बात करूं इसकी फिनिशिंग की, तो फिनिशिंग मैट फिनिशिंग में ये मशीन होती है, जो देखने में बड़ी अच्छी लगती है। स्विच का इसका देखो, आप देखोगे कि ये ऑन ऑफ का स्विच मैं यदि बात करूं तो इसका बिल्कुल इसके साथ ही होता है, इसमें लगा हुआ बॉडी के साथ में। 2 USB इसके यहाँ पे होते हैं साइड में, लेफ्ट राइट साइड में, और एक HDMI पोर्ट है इसमें। दूसरी तरफ हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इसमें एक LAN का पोर्ट भी है। ये इसमें USB जो DC जैक है वो USB चार्जर से ये चार्ज होता है। और एक यहाँ पे आप पॉइंट देखोगे, तीसरा यहाँ पे USB, तीन USB पॉइंट होते हैं। एक इसका 3mm का जो ऑडियो जैक होता है वो 3mm का होता है। और माइक भी इसमें कैमरे के साथ इनबिल्ड होता है। इसमें कैमरा 2 MP का HD कैमरा होता है, तो कैमरे की भी क्वालिटी इसमें बड़ी अच्छी होती है। तो आप यदि आप गेमिंग मशीन में जा रहे हो और रिफर्बिश मशीन लेनी है तो लेनोवो का लीजन आप प्रेफर कर सकते हो। लेजन Y520 बहुत अच्छा लैपटॉप है गेमिंग के लिए, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे। आप लेजन आप खरीदना चाह रहे हो कोई लैपटॉप तो आप लेनोवो में लेजन आपको यदि मिलता है तो बहुत अच्छा लैपटॉप होता है। इसमें क्या वो होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है i5 सेवंथ जनरेशन, 8 GB रैम, 120 GB SSD, NVMe और G1 TB हार्ड डिस्क। ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये मशीन आती है। आप इसमें चेंजेस चाहो तो करा सकते हो, कि SSD बढ़ाना चाहो तो SSD बढ़ा सकते हो। रैम का एक एक्सटर्नल पोर्ट होता है, आप उसमें रैम एक्सटेंड कराना चाहो तो रैम भी एक्सटेंड हो जाती है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।